नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके, मैं हूँ आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर आ रही है झांसी के रक्षा थाना क्षेत्र से, जहां कई दिनों से पुलिस की पकड़ से दूर और फरार चल रहा अपराधी आखिर पुलिस को मिल गया है। लेकिन जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो पुलिस पर उसने हमला कर दिया, लेकिन पुलिस ने अपने चिर प्रतिचिर अंदाज में एक बार मुठभेड़ में उसे फिर से गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि परिहार हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद है। रवि, कौन था ये आरोपी और किस तरह का इस पे आरोप था, पुलिस ने कैसे इसको पकड़ा है? जी नवीन जी, मैं आपको बता दूं कि आज झांसी में फिर से बदमाशों के खिलाफ झांसी पुलिस की गोली बोली है, जिसमें बताया गया है कि झांसी के रक्षा थाना क्षेत्र के पुनावली कला और सारमऊ के पास एक जंगल पड़ता है, वहां पर एक सात्र बदमाश जो कई दिनों से वांछित चल रहा था वो छिपा हुआ था। रक्षा थाना पुलिस को और SOG टीम को सूचना मिली कि एक सात्र बदमाश वहां छुपा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाश को पकड़ने के लिए घेराबंदी की, लेकिन जैसे ही बदमाश ने पुलिस को देखा तो बदमाश ने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर दिया और फायरिंग ताबड़तोड़ फायरिंग की, और इसमें जब पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गई घेराबंदी करके तो बदमाश के पैर में गोली जा लगी। बताया गया है कि बदमाश को घायल अवस्था में झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं बताया गया है कि ये जो सात्र बदमाश है इसका नाम सद्दाम उर्फ गुल्लू चाचा पुत्र सलीम, जो मध्य प्रदेश के दतिया का रहने वाला है, और ये रक्षा थाना क्षेत्र में एक मुकदमे में काफी समय से वांछित था। मुकदमा जान से मारने की कोशिश थी, जानलेवा हमला किया गया था इसके द्वारा, जिसमें ये वांछित था काफी समय से, और इसका एक सातेर बदमाश पहले ही झांसी पुलिस से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था और ये काफी समय से वांछित चल रहा था, जिसको लेकर झांसी पुलिस लगातार इसकी पकड़ने की काफी प्रयास में थी। और आज पुलिस को सूचना मिली तो जैसे ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा तो इसके पास से पुलिस ने एक देसी तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी मौके से बरामद किए। एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी पुलिस द्वारा बरामद की गई और बताया यह गया है कि इसके खिलाफ लगभग 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो झांसी के अलावा अन्य जगहों पर भी इसने काफी घटनाओं को अंजाम दिया है। बिल्कुल रवि, जो नाम सामने आया है बताया जा रहा है कि ये अंतरराज्यीय बदमाश था और मध्य प्रदेश के अलावा जो सीमा क्षेत्र पड़ते हैं उत्तर प्रदेश और अन्य जिलों में भी जाकर इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया करता था। अक्सर देखा जाता है कि इस तरह की घटनाओं में जो मोटरसाइकिल या जो वाहन इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी चोरी के होते हैं। रवि, क्या इस व्यक्ति जो पहले जो आरोपी पकड़े गए थे, क्या उनकी निशानदेही पर या उन्हीं की जानकारी मिलने के बाद इस आरोपी को पकड़ा गया है? जी नहीं, और ऐसा नहीं है, उनको गिरफ्तारी होने के बाद वो बदमाश जो है उसने कुछ नहीं बताया, ये काफी समय से फरार चल रहा था और पुलिस को आज मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये व्यक्ति वहां छुपा हुआ है, तो पुलिस द्वारा जब घेराबंदी की गई तो पुलिस का जैसे SOG टीम और रक्षा थाना पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई तो इसने पुलिस की टीम के ऊपर फायर कर दिया। तो बताया ये गया है कि ये काफी समय से वांछित था और ये घटना को अंजाम देने के बाद तुरंत मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर जाता था, जिससे झांसी पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम रहती थी। लेकिन जैसे ही आज पुलिस को पता चला तो पुलिस द्वारा आज समय रहते इस सात्र बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की है। रवि, जैसा आपने बताया कि इसने पुलिस पर फायर किया था, तो क्या इससे पुलिस या SOG टीम के किसी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचा है? जी, अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी पुलिस टीम को नुकसान पहुंचा हो, लेकिन जो इस तरीके से इसने फायरिंग की थी उस तरीके से जो जंगल है वो गोलियों की आवाज से गूंज उठा था और वहां पर ये समझ लीजिए कि सुनसान इलाके में गोलियों की आवाज से आसपास के लोग क्षेत्र के लोग भी भयभीत हो गए थे, लेकिन जिस तरीके से लोगों को पता चला कि यहां बदमाश से मुठभेड़ हुई उसके बाद स्थानीय लोगों ने भी ऐसे बदमाश के पकड़ने के बाद राहत की सांस ली है। जी बिल्कुल रवि, और जब अपराधी पकड़ में आते हैं तो अपराधों पर भी अंकुश लगता है। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ BK के साथ।